यस ठीक है, तो ये सिंपल कंसेप्ट था हमारे ट्रांजैक्शन के रोल बैक कंसेप्ट। अब अपन सिंपल ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सिंपल जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास वो है अटोमिसिटी, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांजैक्शन की होती है। प्रॉपर्टीज, बाय द टर्म प्रॉपर्टीज का क्या मतलब हुआ कि सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे। जैसे आपके, आप स्टूडेंट हैं, आप जैसे स्टूडेंट हैं, मैंने बोला कि मेरी क्लास में आने के लिए यू शुड बी नीट एंड टाइडी, ठीक है। आपके पास एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होगी तभी आप मेरी क्लास में आ सकते हैं, अदरवाइज मेरी क्लास में आप नहीं आ सकते। अगर हम और कोई एप्लीकेशन और कोई कंडीशंस लगा देते हैं कि मार्क्स इतने होने चाहिए, मार्क्स इतने नहीं होने चाहिए, तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज़। किसी भी एक ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करने की, कोई भी एक क्लास को रिप्रेजेंट करने की, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन तभी कहलाया जाएगा जब वो इन चार प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, ठीक है। इन चार प्रॉपर्टीज को, कौन सी चार प्रॉपर्टीज को, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये चार अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में। अंडू हुआ तो फुल प्रोसेस फेल। बेटा शहनवाज, आप ये सिंपल इसको उल्टा बोल सकते हो कि कोई भी प्रोसेस अगर ट्रांजैक्शन फेल होगा तब अपन अंडू करेंगे। अंडू पहले नहीं कर रहे हैं, राइट। अंडू कब करेंगे, जब मेरा पूरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, ठीक है। अगर सक्सेसफुल हो गया तो बफर का कंटेंट मैं मेन मेमोरी में कॉपी कर दूंगी, और अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, बीच में फेल हो गया, तब हम सारे के सारे एक्शंस को शुरुआत तक अंडू कर देंगे। सारे जो भी एक्शंस परफॉर्म किए गए हैं वो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। मेन डेटाबेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइन, यस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं, विच इज अटोमिसिटी। ए स्टैंड फॉर अटोमिसिटी। अटोमिसिटी क्या है, सिंपल सी चीज है, अटोमिसिटी एटम वैल्यू, यानी कि 0 और 1, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन कभी भी बीच में पेंडिंग स्टेट में नहीं रहता, ठीक है। या तो हमारा ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा या हमारा ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से फेल होगा, ठीक है। या तो हमारा ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट किया जाएगा या फिर ट्रांजैक्शन का कुछ भी पूरी तरीके से फेल होगा। जो रोल बैक का कंसेप्ट है ना, हमने उसका पूरा सबूत ही मिटा दिया कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ भी था। क्यों? क्योंकि मैंने सारे एक्शंस को रोल बैक कर दिया। अगर मेरी थर्ड स्टेप पे मेरा ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो मैं तीसरा, सेकेंड एंड फर्स्ट, इन तीनों एक्शंस को रोल बैक, डिलीट कर दूंगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा ट्रांजैक्शन या तो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट होता है, या फिर पूरा फेल्ड होता है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे ट्रांजैक्शन में, ठीक है। अगर बीच में फेल हो गया तो मैं सारे के सारों को अंडू कर दूंगी, तो वो क्या हो गया, कुछ भी, उसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि कोई भी चेंजेस हमारे डेटाबेस की वैल्यू पे नहीं आए हैं, हमने बफर में ही चेंजेस करे और उसी को डिलीट कर दिया, राइट, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी अटोमिसिटी की। अटोमिसिटी स्टेट्स दैट ट्रांजैक्शन टू बी कंप्लीटेड, इफ नॉट देन द ट्रांजैक्शन इज अबॉर्टेड। आपका पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन अगर है तो वो पूरा ट्रांजैक्शन पूरा कंप्लीट होगा, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी, और लास्ट में हमने कर दिया कमिट, यानी कि ये एक सिग्नल होता है, कमिट सिग्नल, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। या तो कमिट होगा या अबॉर्ट होगा, दो सिग्नल हो सकते हैं। या आपका ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो सकता है, या अगर अबॉर्ट है तो ये सारे के सारे एक्शंस हमने रोल बैक कर दिए, कुछ भी एक्शन हम सिंपल अपने डेटाबेस में नहीं रखेंगे, यस। या तो आपका ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा या आपका ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से अबॉर्ट किया जाएगा। बीच में कोई पेंडिंग स्टेट नहीं है हमारे ट्रांजैक्शन के लिए, राइट। ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शन मैंने तो कर दिया, अब 3-4 दिन में होता रहेगा, कभी ऐसा हुआ है क्या, नहीं। इसी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा एक ट्रांजैक्शन कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट कहलाई जाती है और वन गो में ऑपरेशन परफॉर्म करती है। अगर बीच में कहीं फेल हो जाती है तो हम बफर के कंटेंट को रीडू, अंडू कर देते हैं, बफर के कंटेंट को वापस से 0 पर लेके आ जाते हैं। सारा का सारा ऑपरेशन जो भी उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ने फाइनल स्टेप तक परफॉर्म किया है उसको हम रोल बैक कर देंगे, और
कोई भी चेंजेस आपके मेन डेटाबेस की वैल्यू में नहीं शो होने देंगे, ठीक है। और अगर कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो भी बफर का कंटेंट है, फाइनल बफर का कंटेंट है, वो मेन डेटाबेस में हम कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज अ सिंगल इनडिविजिबल लॉजिकल यूनिट, इसलिए हमने बोला कि पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन सिंगल इनडिविजिबल, यानी कि पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि थर्ड से फेल हो गया तो हमने फिर से सेकंड से गाड़ी चलाई, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड कार के गियर्स नहीं है कि थर्ड गियर में हमारी गाड़ी रुक गई तो हमारे को जीरो पर ही आना पड़ेगा, है ना। हमने क्या, सब किसी जिसको भी ड्राइविंग आती है तो हमारी ड्राइविंग फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में चलती है, राइट। फर्स्ट सेकंड देन फर्स्ट गियर देन सेकंड देन थर्ड देन फोर्थ, है ना। अगर आपकी थर्ड गियर में गाड़ी रुक गई है तो ऐसा नहीं है कि आप थर्ड गियर से ही स्टार्ट करेंगे, आपको फिर से फर्स्ट गियर में आना पड़ेगा एंड देन वापस से अपनी कहानी स्टार्ट करनी पड़ेगी ड्राइविंग की, राइट। तो वही चीज़ है ट्रांजैक्शन में भी, कोई भी ट्रांजैक्शन होगा बीच में कहीं फेल हो जाता है तो वो पूरा फेल्ड है और सारे जो भी एक्शंस उस ट्रांजैक्शन ने करे हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, रोल बैक हो जाएंगे। किस तरीके से रोल बैक होंगे, बफर मेमोरी की हेल्प से रोल बैक होंगे। अगर मान लीजिए मैं मेन डेटाबेस में ये चेंजेस करती तो मैं उनको डिलीट करने में मुझे प्रॉब्लम होती कि मेरा ओरिजिनल डेटा पे फ़र्क पड़ रहा है इस पर्टिकुलर डेटा को डिलीट करने का, इसलिए मैंने ओरिजिनल डेटा को छेड़ा ही नहीं है। जब मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा बफर का कंटेंट मैं मेन मेमोरी में कॉपी कर दूंगी, गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़े अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। आई होप एटॉमिसिटी का कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, किसी को कोई भी तरीके का डाउट हो एटॉमिसिटी से रिलेटेड तो पूछ लीजिए, क्लियर है, ओके चलो ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा आइसोलेशन। ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड इन आइसोलेशन, एक और प्रॉपर्टी हमारी होती है ट्रांजैक्शन की आइसोलेशन। हमने बोला कि हमारे जो भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जो हम डेटा रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं ना, लेट से कि T1 ट्रांजैक्शन है, एट पर्टिकुलर टाइम पे वो A को यूज कर रहा है, ठीक है, दूसरे टाइम पे वो B डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, या तो रीड कर सकता है A को या फिर राइट कर सकता है, है ना। थोड़े टाइम बाद वो बी को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एंड थर्ड थोड़े टाइम बाद वो सी डेटा पर रीड ऑपरेशन भी डाल सकता है और राइट ऑपरेशन भी डाल सकता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कहा कि मान लीजिए मेरा कोई दूसरा ट्रांजैक्शन भी साइमेंटेनियसली इसी के T1 ट्रांजैक्शन के साथ में ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो मेरा एक और रूल है, जैसे एटॉमिसिटी का रूल था ना, ट्रांजैक्शन का एक रूल था कि या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा या ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं होगा, या तो पूरी तरीके से फेल या पूरा कंप्लीट, है ना, ये मेरा एक रूल था। ऐसे ही दूसरा रूल मेरा ये है कि जब भी कभी मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक टाइम पर, ठीक है, एक टाइम पर, ध्यान में रखना आई एम टॉकिंग अबाउट साइमल्टेनियस यूज, जब भी कभी मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक टाइम पर ट्रांजैक्शंस अकर होते हैं तब वो एक डेटा रिसोर्स को सिंगल टाइम पर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट मीन्स अगर T1 एक डेटा को यूज में ले रहा है, इस पर रीड या राइट ऑपरेशन डाल रहा है, तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मैं A को साइमल्टेनियसली यूज में नहीं ले सकती, ठीक है। इट जस्ट लाइक दैट कि मैंने अपने नोट्स दिए आप लोगों को, ठीक है, मेरे नोट्स, मैंने अपने मॉडिफिकेशन नोट्स एक बफर कॉपी आप लोगों को दिए, तो एक सिंगल टाइम पे कोई एक स्टूडेंट ही उस नोट्स को पढ़ सकता है, ठीक है। साइमल्टेनियसली दो यूजर्स या दो स्टूडेंट्स, आप कोई दो स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर नोट्स को एक टाइम पे नहीं पढ़ सकते, जैसे कि एक डेटा रिसोर्स पर साइमल्टेनियसली दो ट्रांजैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब आइसोलेट करना, है ना, आइसोलेट मतलब अलग करना। तो हम यही बोल रहे हैं, हमने किनको अलग कर दिया, डेटा रिसोर्सेज को अलग कर दिया जिस पे हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लेट से मुझे ए पर करना है या डेटा बी पर करना है या डेटा सी पर करना है, तो अगर T1 ए को यूज में ले रहा है तो उस टाइम तक कोई दूसरे ट्रांजैक्शन ए को यूज नहीं ले सकते, ठीक है।
गेटिंग माई पॉइंट? सिंपल दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोलेशन. कि अगर आपके फर्स्ट ट्रांजैक्शन इस पर्टिकुलर एट डेटा रिसोर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में ए डेटा रिसोर्स को ऑपरेशन आप नहीं परफॉर्म कर सकते, ए आप यूज नहीं कर सकते. कोई भी दूसरा ट्रांजैक्शन, इट कैन बी T3, इट कैन बी T4, कितने भी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर ए को T1 यूज कर रहा है तो सिर्फ T1 ही यूज करेगा. कब तक? जब तक वो रिलीज नहीं कर देता. ठीक है, मान लीजिए 10 सेकंड्स तक T1 ने ए को यूज किया और फिर उसने उसको रिलीज कर दिया, ए डेटा रिसोर्स को रिलीज कर दिया. अब बिल्कुल आपका T2 ट्रांजैक्शन या T3 ट्रांजैक्शन ए डेटा रिसोर्स को यूज में ले सकता है रिलीज होने के बाद. ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम एक ट्रांजैक्शन एक ही डेटा रिसोर्स को यूज में लेगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे दूसरे ट्रांजैक्शंस उसको यूज नहीं ले सकते. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, आइसोलेशन प्रॉपर्टी इसकी ये होती है. यस शहनवाज, आप चैट पे भी बोल दो, कुछ आपको डाउट है तो चलिए बोलो. हाँ मोहित कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट इज डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी. कंसिस्टेंसी बाद में देखते हैं, पहले ड्यूरेबिलिटी को समझते हैं. देखो तीसरा जो रूल है हमारा वो क्या है दिस. अच्छा इसको रीड नहीं किया ना हमने, एक सेकेंड इसको पहले पढ़ लेते हैं ताकि एक लैंग्वेज भी फ्रेम हो जाए. दिस विदाउट लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस का क्या मतलब है मैम? बिल्कुल अच्छा बताते हैं. देखो दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन अकर कॉन्ग्रुएंटली विदाउट लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस स्टेट. अच्छा देखो लास्ट जो अपना फोर्थ रूल है ना दिव्यांशु, वो अपना यही है इनकंसिस्टेंसी का. ठीक है, तो मैं जब इनकंसिस्टेंसी बताती हूँ तब मैं आपको बता दूँ. इनकंसिस्टेंसी बेसिकली क्या होती है कि हमने बोला आइसोलेशन प्रॉपर्टी कि हम अपने मल्टीपल ट्रांजैक्शन को अकर होने देंगे लेकिन एक डेटा रिसोर्स को मल्टीपल ट्रांजैक्शन को एट पर्टिकुलर टाइम पे नहीं देंगे क्योंकि उससे हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम. अच्छा कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर जनरल इंग्लिश टर्म्स, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट. तो सिंपल सा टर्म है. देखो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि आप अपने पर्टिकुलर टाइम पे जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो वो करेक्ट है, कंसिस्टेंट है, राइट. यानी कि हम टाइम बीइंग के साथ में जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, हम अपनी परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएटली मैनेज करके रख रहे हैं. ऐसा बोलते हैं ना कि इस स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर में भी अच्छा स्कोर किया, सेकेंड ईयर में भी अच्छा स्कोर किया, या दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट इज कॉन्स्टेंटली अटेंडेंस इसकी फुल है, तो ये कंसिस्टेंट है, पढ़ाई में कंसिस्टेंट है. यानी कि आज भी उतना ही पढ़ रहा है, कल भी उतना ही पढ़ रहा है, कल भी उतना ही पढ़ेगा, है ना. अपनी स्टडीज़ में ये क्या है? कंसिस्टेंट है, राइट. तो दिस इज रेगुलैरिटी मतलब कंसिस्टेंट. और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? जैसे ये स्टूडेंट इस बार तो टॉप किया, अगले साल फेल हो गया, है ना. इस साल फिर टॉप किया, अगले साल फिर से फेल हो गया, राइट. तो ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट, कि आप अपने टाइम बीइंग के साथ में करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे. जैसे जैसे टाइम आगे चल रहा है आपको इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है, आप करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे. माई प्रोग्राम इज इनकंसिस्टेंट, माई प्रोग्राम इज अनएबल टू प्रोड्यूस करेक्ट आउटपुट. इसलिए मैंने बोला कि ये क्या है? इनकंसिस्टेंट है. अगर मेरे प्रोग्राम ने करेक्ट आउटपुट क्रिएट किया है, जो आउटपुट हमने बोला था एडिशन का, सब्स्ट्रैक्शन का, फिबोनाची, कोई भी आपका आउटपुट है, प्रोग्राम है, तो अगर वो करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो कंसिस्टेंट है, करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो इनकंसिस्टेंट है. तो हम यही बोल रहे हैं कि हमको अपने ट्रांजैक्शन को इनकंसिस्टेंट होने से बचाना है, इसीलिए हमने हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग डेटा रिसोर्स प्रोवाइड करवा दिए. ठीक है, गॉट इट. हमको हमारे ट्रांजैक्शन को इनकंसिस्टेंट होने से बचाना है, रॉन्ग आउटपुट क्रिएट होने से बचाना है, इसीलिए हमने अपने मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को अश्योर किया कि वो आइसोलेटेड तरीके से ऑपरेट करेंगे. गॉट इट. चलिए नेक्स्ट है अपना ट्रांजैक्शन अकर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस. ठीक है, ट्रांजैक्शंस अकर जैसे मैंने बोला इंडिपेंडेंटली अकर होंगे विदाउट एनी टाइप ऑफ इंटरफेरेंस. इंटरफेरेंस उनको बर्दाश्त ही नहीं है. अगर ट्रांजैक्शन ए T1 ए को यूज में ले रहा है तो कोई से भी दूसरे ट्रांजैक्शन इसको यूज में नहीं ले सकते. हमको इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, हम अपना काम
अपने इंडिविजुअल टाइम में इंडिपेंडेंटली करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा रिसोर्सेज. गॉट इट? ठीक है. चेंजेस अकरिंग इन अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल नॉट बी विजिबल टू एनी अदर ट्रांजैक्शन अंटिल दैट पर्टिकुलर चेंज इन दैट ट्रांजैक्शन इज रिटन टू मेमोरी और हैज बीन कमिटेड. ठीक है. जैसे मैंने बोला, हम जो भी चेंजेस किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, लेट से ए डेटा रिसोर्स पे हमने राइट ऑपरेशन डाला ए प्लस फाइव, ठीक है, दैट इज 10 हो गया लेट से, ठीक है. उसके बाद बी पे राइट ऑपरेशन डाला, उसके बाद सी पे राइट ऑपरेशन डाला. तो जब तक मेरा ये ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होता, ठीक है, जब तक हमारा ये ट्रांजैक्शन कमिट या अबॉर्ट, जो हम एटॉमिसिटी में बोलते हैं, कमिट या अबॉर्ट नहीं होता, ये सारे के सारे चेंजेस आपके मेन डेटाबेस में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे. ऑब्वियसली ये जैसे मैंने आपको बताया है, जब तक कमिट नहीं होता है तब तक तो कंटेंट सारा बफर में ही रहता है ना, मेन डेटाबेस में तो आता ही नहीं है. तो जब तक कमिट नहीं हो जाता आपका पूरा ट्रांजैक्शन, ये चेंजेस बफर में ही रहेंगे. कमिट या अबॉर्ट कुछ भी, आपका ये चेंजेस मेन डेटाबेस में नहीं रिफ्लेक्ट होंगे. जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है, आप जो भी चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो रिस्पेक्टिव डेटा रिसोर्स के साथ, ए के साथ, बी के साथ, जो भी चेंज परफॉर्म कर रहे हो, वो सारा का सारा बफर का कंटेंट मेन मेमोरी में कॉपी हो जाएगा. राइट? ठीक है. जैसे ही कमिट होता है या फिर अबॉर्ट किया जाता है, सारा का सारा बफर का कंटेंट आप मेन मेमोरी में कॉपी कर सकते हैं. मैम, एट सेम टाइम T1 कैन परफॉर्म ट्रांसलेशन विद बी. हाँ बिल्कुल गौरव, अच्छा मैंने मैसेज अब देखा है. बिल्कुल, वो उस पर्टिकुलर टाइम पे दूसरों डेटा रिसोर्स के साथ में ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है, अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है. गॉट इट? ठीक है. तो ये थी आपकी सिंपल टू प्रॉपर्टीज, विच वॉज एटॉमिसिटी एंड आइसोलेशन. ठीक है. अब आई होप हम बहुत धीरे जा रहे हैं तो समझ आ रहा होगा. मेरे को लग रहा था कि डेटा बेस आपने पढ़ा हुआ है तो वी कैन उस पेस पे चल सकते हैं, लेकिन नहीं, आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वी कैन गो स्लो. राइट? चलिए, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंसिस्टेंसी का. कंसिस्टेंसी से पहले, जैसे मैंने थोड़ा तो बता ही दिया है, उससे पहले ड्यूरेबिलिटी ले लेते हैं क्योंकि टाइम कम है तो ड्यूरेबिलिटी जल्दी हो जाएगा. यस, एटॉमिसिटी, ए स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, समझ आ गया, जीरो या वन. ठीक है. सी हमने थोड़ा एक बार के लिए छोड़ा है, कंसिस्टेंसी की प्रॉपर्टी मैं आपको बताती हूँ. आई हमने देख लिया आइसोलेशन, यानी कि डेटा रिसोर्स को एट पर्टिकुलर टाइम पे एक ही ट्रांजैक्शन यूज में ले सकता है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डी. डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी. राइट? एंड नाउ व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी, क्या होती है ड्यूरेबिलिटी? तो सिंपल सी चीज है, जो मैंने आपको रोल बैक की प्रॉपर्टी बताई है ना, वो क्या बोलना चाह रहा है, दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट वंस द ट्रांजैक्शन हैज कंप्लीटेड एग्जीक्यूशंस, द अपडेट एंड मॉडिफिकेशंस टू द डेटाबेस are stored and written to disk and they persist even if the system failure occur. हम बोल रहे हैं कि एक बार ट्रांजैक्शन है, मान लीजिए ये मेरा ट्रांजैक्शन है, रीड ए राइट ए, रीड बी राइट बी. ये ट्रांजैक्शन को ना बहुत बार लिखने की कोशिश कर लेना, क्योंकि आगे हम सीरियलाइजेबिलिटी, कॉन्करेंसी, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, उसमें ट्रांजैक्शन के साथ ही खेलेंगे कि किस तरीके से हम ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. राइट? तो अभी स्टार्टिंग से ही इन कंसेप्ट, इन ट्रांजैक्शन के कंसेप्ट को क्लियर रखना. राइट? तो व्हाट वी वर टॉकिंग, मान लीजिए मेरा एक ट्रांजैक्शन है रीड ए राइट बी राइट ए रीड बी राइट बी. राइट? अब इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शन में मैंने बोला कि जब तक मेरा एक ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होता, ठीक है, लास्ट में ये क्या हो गया, कमिट हो गया. कमिट हो गया, कमिट होने का मतलब हमने इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है. ठीक है. जब तक मेरा ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होता तब तक तो ये सारा कंटेंट बफर में ही रहेगा. राइट? ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि जब तक कमिट नहीं होता तब तक तो सारा जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ये बफर में ही रहेगा. लेकिन जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन कमिट हो जाता है, आपका सारा ऑपरेशन डेटा मेन डेटाबेस में पेस्ट हो जाएगा. बफर का जो भी कंटेंट है आपने क्या किया, मेन डेटाबेस में पेस्ट कर लिया. अब जब ये मेन डेटाबेस में आपने एक बार पेस्ट कर दिया है, तब चाहे सिस्टम फेल हो जाए, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, मल्टीपल ट्रांजैक्शन अकर हो जाए, आप इस मेन डेटाबेस की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते. ठीक है. दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी. क्या मतलब, फिर से बताती हूँ कि अगर आपने अपने बफर का कंटेंट मेन मेमोरी में पेस्ट कर दिया है कमिट होने के बाद, कब कर सकते हो, कमिट होने के बाद, तो जब तक आपका ट्रांजैक्शन कमिट नहीं हो जाता
आप अपना बफर का कंटेंट मेन मेमोरी में कॉपी नहीं कर देते, मेन डिस्क पे कॉपी नहीं कर देते. अगर एज सून एज अगर आपने कर दिया है तो वो कंटेंट जो मेन में आपने कॉपी कर दिया उसको अब कोई भी चेंज नहीं कर सकता. चाहे सिस्टम क्रैश हो जाए, चाहे फेलियर हो जाए आपका, आपका वो कंटेंट एज इट इज स्टोर हो जाएगा मेन मेमोरी में. ठीक है, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे. सिंपल, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज ड्यूरेबिलिटी. गॉट इट? इसमें से किसी को ड्यूरेबिलिटी में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए.